हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ब्लैक हेयर डाई लेके आई हूँ। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है, इसलिए क्योंकि इसमें मैं जो चीज़ें यूज़ करी वो नेचुरल तरीके से बालों को जड़ से काला करना शुरू करेगी और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं ना, उनके लिए ये डाई ऐसी है कि आप सीज़न में इस डाई को यूज़ कीजिएगा। और जो चीज़ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ आप उसे सीज़न में इकट्ठा कीजिएगा, उसके बाद सुखाकर उसका पाउडर बनाकर रख लीजिएगा। साल भर आप उसे यूज़ करेंगे ना, तो नेक्स्ट जब सीजन आएगा ना ये वाला गर्मी का, तो आपके बाल ना बहुत जल्दी इससे जो वाइट बाल हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। रेगुलर यूज़ करना है लेकिन आपको, बहुत इफेक्टिव है, बहुत ही असरदार है। इसलिए इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आम के छिलकों को, जो आप कच्चे आम भी ले सकते हैं, पक्के आम, कोई से भी आम है, उनके छिलकों को आपको धूप में सुखाना है। तो जब ये सुखा लेंगे ना आप, तो बहुत कुरकुरे हो जाएंगे। उसके बाद आप इसका पाउडर बना लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ आज छिलकों की इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि इसका कलर बालों में कैसा आता है और इसका इसको कैसे बनाना है। लेकिन आप इसे पूरा साल इस्तेमाल करने के लिए आप आम के छिलके जो होते हैं उन्हें सुखाकर उसका पाउडर बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं उसे, इसलिए क्योंकि डाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं वो, और बालों को बहुत जल्दी ब्लैक करते हैं और कलर भी बहुत पक्का आता है उससे बालों में। इसलिए तो ये मैंने जो आम के पत्ते उन्हें धूप में सुखा कर रखा हुआ है और इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं अनार के छिलकों का पाउडर। दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो बालों को बहुत जल्दी ब्लैक करती हैं और कलर बालों में बहुत पक्का आता है, जल्दी से बालों से कलर नहीं निकलेगा इसलिए। और इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं जो आंवला होता है, आंवला को आपको जो हरे वाले आंवला होते हैं उन्हें आपको पीस कर उसका आपको थोड़ा सा जो सिरम जैसा होता है वो बनाना है। तो आप एक से दो जो हरे आंवले होते हैं उन्हें पीस लीजिएगा, उसके बाद उन्हें आप अच्छे से छान कर उसका जो पानी होता है वो निकाल लीजिएगा। ये मैं इस्तेमाल करूँगी इसलिए क्योंकि जो आपके रूट्स हैं, रूट्स में इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपके जो वाइट बाल हैं वो बहुत जल्दी इससे ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि रूट्स में जब आप इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करेंगे तो रूट्स में जो आपके इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो गए उनके लिए बहुत अच्छा है ये। तो इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें हरे आंवले का रस और इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें हिना। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आम के छिलके हैं उन्हें और जो अनार के छिलके का पाउडर है उन दोनों को हम इसे अच्छे से पानी में पकाएंगे। तो उसके लिए शुरू करते हैं उसे बनाना। देखिए मैंने पानी पकने के लिए रखा हुआ है, ये मेरा आधा गिलास पानी है, इसे मैं अच्छे से गर्म कर रही हूँ। तो ये पानी गर्म होना शुरू हो गया है, इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच जो अनार के छिलके हैं वो डालूंगी मैं। देखिए एक चम्मच अनार के छिलके का पाउडर डालूंगी इसमें मैं और लगभग 50 ग्राम के करीब मैं इसमें जो ये मैंने छिलके सुखाए हैं आम के वो डालूंगी। अब इसे हम गैस को कम कर देंगे और कम गैस में हम इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि ये पानी पूरा ब्लैक हो जाए और जो छिलके मैंने लिए हैं वो और जो अनार के छिलकों का पाउडर लिया है ना वो दोनों चीज़ें अपना असर इसमें पानी में छोड़ दें। अब आप देख सकते हैं पकते पकते मुझे अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और ये पानी बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो गया है। वो इसलिए क्योंकि आम के छिलके और जो मैंने अनार के छिलके लिए हैं ना, दोनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है जो बालों को काला करने के लिए बहुत असरदार होता है। इसलिए अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि छिलके भी सॉफ्ट हो जाए और जो अनार के छिलके लिए हैं मैंने उसका भी पूरा अच्छे से सिरम निकल जाए। अभी लाइव आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना ब्लैक हो गया है ये पानी। अभी इसे पकते हुए 1 मिनट हो चुकी है अच्छे से, थोड़ा और हल्का सा और पका लेते हैं जिससे कि और अच्छा कलर होता है हमारे बालों में इसका ब्लैक। इसे पकाने के बाद अब देखिए ये पानी ऑलरेडी इतना ब्लैक हो चुका है, तो अब इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के लिए हम इसे 1 से 2 मिनट तक छोड़ देते हैं जिससे कि ये ठंडा हो जाए पानी। अभी देखिए ये मेरा जो मैंने अभी आपके सामने अनार के छिलके और आम के छिलकों को जो मैंने पानी में पकाया था वो ठंडा हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे जिससे कि हम इसमें डाई बना सकें, इसलिए क्योंकि हम इसे आयरन की कढ़ाई में ही बनाएंगे तो इसलिए हम इसे पहले स्टेनर कर लेते हैं, छान लेते हैं। बहुत ही ब्लैक कलर आएगा इसका डाई का क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, इसलिए थोड़ा अच्छे से प्रेस करके हम जितना भी इसका सिरम है ना इसके अंदर वो सारा छान लेंगे। अब ये देखिए मैंने इसे छान लिया है और इसका कलर देखिए कितना ब्लैक हो गया। ये सब आपके सामने था,
कि मैंने इसे कैसे पानी में डाला और कैसे पकाया। और देखिए इसका कलर कितना ब्लैक हो गया है। अब हम इसे ढीना बनाएंगे इस पानी में हम, तो हमें क्या करना है, जितना हमने इस पानी को पकाया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे आयरन की कढ़ाई में भीना बनाएंगे, क्योंकि हम इसे लगभग 24 घंटे से कढ़ाई में डालकर रखेंगे, जिससे कि इसका कलर और भी ब्लैक हो जाए और बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट आए इसलिए। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हीना। मैं आपको अपने बालों के हिसाब से थोड़ा कम हीना के बारे में बता रही हूँ, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग उस पेस्ट को ज़्यादा बनाइएगा जितना भी आपके बालों की लेंथ है। इसलिए सीरम भी आप थोड़ा ज़्यादा बनाकर इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। आप इसे हफ्ते भर का बना के रख सकते हैं या फिर 15 दिन का या फिर महीने का, आप अच्छे से बनाकर पकाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इसलिए। तो अब मैंने 1 चम्मच हीना ली है, इसमें मैं 1 चम्मच ही जो मैंने हरे आंवले पीसे थे उसका पानी लूँगी मैं, और इसमें मैं लूँगी जितनी भी हमें पेस्ट बनाने के लिए सीरम चाहिए उतना पेस्ट लूँगी, सीरम लूँगी मैं इसमें। मैंने सीरम भी आपको थोड़ा आधा गिलास पानी में इसलिए बताया था क्योंकि मुझे एक ही बार आपको डाई बना के बतानी थी कि कितना ब्लैक हो जाता है और इसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा इसलिए। अब इस पेस्ट को अच्छे से बना लेंगे, गर्मियों का टाइम है तो आपको पेस्ट भी ज़्यादा पतला नहीं बनाना चाहिए, ठीक ठीक पेस्ट बनाना चाहिए जो कि अच्छे से बालों में अप्लाई हो जाए और घिरे ना आपके बालों से। ये देखिए मेरा पेस्ट तैयार है और ये मेरी हिना देखेंगे आप घोलते घोलते बिल्कुल ब्लैक हो गई है, कढ़ाई भी चारों तरफ से इतनी ज़्यादा ब्लैक हो गई क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी आ गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन आ गया इसलिए। अब ये देखिए मैंने पेस्ट को बना लिया है, अब हम इसे क्या करेंगे, इसको ढककर हम लगभग इसे 24 घंटे कढ़ाई में डाल के रखेंगे, यानी कि मैंने आज जैसे आज दोपहर को मैंने इस डाई को बनाया है तो मैं इसे रात भर से कढ़ाई में रखूंगी और कल मैं अपने बालों में अप्लाई करूंगी, तो इसलिए आपको भी ऐसे करना है, इसे एक दिन पहले इस डाई को बनाना है, रात भर इसे कढ़ाई में छोड़ना है, उसके बाद आप इसे नेक्स्ट डे अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ब्लैक बालों में कलर देखिए, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है ना वो बहुत अच्छी हैं और बालों को बहुत ज़्यादा कलर देने वाली। लगभग आप इसे 2 घंटे तो बालों में ज़रूर रखिएगा। जो लोग पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं वो जैसे आपने कोई भी केमिकल वाली डाई यूज़ किया उसके बाद आप हर्बल वाली पहली बार यूज़ कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने अभी मुझे सब्सक्राइब किया है उन्हें मेरी डाई के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, आप कोई भी डाई यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होना चाहिए, बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए पहली बार। दूसरी बात, आप कोई भी डाई यूज़ करें, अगर आप पहली बार में यूज़ कर रहे हैं डाई को तो आप उसे अगर एक बार में कम कलर आ रहा है तो आप दोबारा उसी डाई को यूज़ कीजिएगा, आपके बालों में बहुत अच्छा कलर आएगा। और ये डाई ऐसी है कि आप इसे बहुत कम उम्र के बच्चे से लेकर आप इसे बहुत एज ज़्यादा एज तक कोई भी इसे लगा सकता है, इसका कलर बालों में बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही ब्लैक आएगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि उनके बालों में एक बार में इसका कलर बहुत अच्छा नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा जब बनाएंगे तो इसमें आप थोड़ा सा आंवला का पेस्ट डाल दीजिएगा, यानी कि आप आंवला को भिगा कर रखिएगा, उसके बाद आप उसे मिक्सी में पीसकर उसका 1 चम्मच पेस्ट इस हिना में डाल दीजिएगा, फिर उसे बालों में अप्लाई कीजिएगा, तो आपके बालों में बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर आएगा। इसलिए क्योंकि हो सकता है कितनी बार आपके बालों की ऐसी टेक्स्चर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, या फिर किसी के बाल ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनके बालों में कलर एक बार में नहीं आता है, तो आप इसे बनाइएगा जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, आप इसे लगाइएगा, लगभग 2 घंटे बालों में लगा कर रखिएगा, हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर अप्लाई करिए। जिनके बाल बहुत ज़्यादा वाइट है और जिनके बाल नॉर्मली बहुत कम वाइट है तो वो इसे हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिएगा, केमिकल वाला शैम्पू बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, हो सके तो ना ही यूज़ कीजिए, ना ही माइल्ड ना ही केमिकल वाला, तो और अच्छा रिजल्ट रहेगा। क्योंकि शैम्पू से क्या होता है, जो आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं हिना के बाद, आप अगर सिर को धुलेंगे उस शैम्पू से तो आपके बालों से पूरा कलर निकल जाएगा और अच्छे से कलर नहीं सेट होगा बालों में, इसलिए तो आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।